ये क्या कर रही है वरना? मैम वो मैं भाभी के डॉक्टर ना टॉर्च ने बताया है, तो ये टॉर्च काम करेगी या दूसरी टॉर्च लेनी पड़ेगी? अरे ये टॉर्च टेस्ट नहीं होता है, वो तो एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको कि टॉर्च टेस्ट कहते हैं। मुझे लगा ये काम करेगी तू। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक कुमार, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपको महिलाओं की एक समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। मेरे पास अक्सर मेरे डायग्नोस्टिक सेंटर पर ऐसी महिलाएं आती हैं जो गाइनिकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा रेफर की हुई होती हैं, जिनमें टॉर्च टेस्ट लिखा होता है, और यह काफ़ी सारी महिलाओं में ये टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है। टॉर्च टेस्ट का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मा, जो एक प्रोटोजोआ है, रूबेला वायरस, साइटोमेगेलो वायरस और हर्पीज। हर्पीज के दो सीरोटाइप होते हैं, दो तरह का हर्पीज होता है, टाइप 1, टाइप 2, हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 1, टाइप 2। तो ये औरतों में ये इन्फेक्शन काफ़ी पाया जाता है। तो ये इन्फेक्शन औरत के शरीर में जाकर, महिला के शरीर में जाकर क्या करता है, क्या उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इस बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इन वायरस और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सोनल गुप्ता, जो आगरा में एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और अपना ओजस हेल्थ केयर के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हैं। ये ओजस हेल्थ केयर नर्सिंग होम कमला नगर आगरा में स्थित है, और वहाँ पर ये एक वेल नोन गाइनिकोलॉजिस्ट हैं। तो चलिए आइए जानते हैं डॉक्टर सोनल गुप्ता से टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में विस्तार से। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करने वाले हैं टॉर्च टेस्ट के बारे में। टॉर्च टेस्ट, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एक बैटरी ऑफ टेस्ट होता है जिसमें कि टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, हर्पीस सिंप्लेक्स एंड साइटोमेगलो वायरस के बारे में एंटीबॉडीज चेक किए जाते हैं, IgG और IgM एंटीबॉडीज। टॉर्च टेस्ट क्यों किए जाते हैं, टॉर्च टेस्ट का जो इंटरप्रिटेशन होता है उसको कैसे रीड किया जाता है, उसके रिपोर्ट को कैसे रीड किया जाता है, और टॉर्च टेस्ट की क्या रिलेवेंस होती है किसी भी महिला की प्रेगनेंसी के दौरान, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि टॉर्च टेस्ट जो होता है उसको करने का इंडिकेशन क्या होता है, किन केसेस में टॉर्च टेस्ट को किया जाता है। टॉर्च टेस्ट करने का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है या सबसे ज़्यादा कॉमनली जहाँ टॉर्च टेस्ट कराया जाता है, वो होते हैं केसेस जिनके की बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होती है। बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का मतलब होता है कि वे महिलाएं जिनमें की बार बार अबॉर्शंस की हिस्ट्री होती है, ऐसे केसेस में टॉर्च टेस्ट करा कर ये तय किया जाता है कि कहीं कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है जो कि रिपीटेड अबॉर्शंस की वजह बन रहे हों। दूसरे नंबर पर बात आती है कि क्या उनका जो रिपोर्ट होता है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, रिपोर्ट का जो रिजल्ट होता है उसको हम कैसे किसी भी महिला के हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉर्च टेस्ट में एक बैटरी ऑफ टेस्ट होती है जिसमें कि 10 टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि आपको बताया जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, हर्पीस सिंप्लेक्स 1, हर्पीस सिंप्लेक्स 2 और साइटोमेगलो वायरस, इन 5 जो इन्फेक्शंस हैं इनके IgG और IgM एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है। IgM एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में अगर IgM एंटीबॉडीज़ बढ़े हुए हैं तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि वो इन्फेक्शन उस व्यक्ति को या उस महिला को अभी हाल फिलहाल ही हुआ है, पिछले कुछ महीनों में हुआ है। और अगर IgG एंटीबॉडीज़ बढ़े हुए हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि IgG एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो क्रॉनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं, यानी कि किसी महिला को अगर पिछले कभी 2-3 साल पहले या 4 साल पहले वो इन्फेक्शन हुआ था तो उस केस में IgG एंटीबॉडीज़ बढ़े हुए हो सकते हैं। तो जब टॉर्च टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें IgG और IgM दोनों के टाइटर्स दिए जाते हैं और एक रेफरेंस रेंज दी जाती है कि इस रेंज से ज़्यादा बड़ा है तो उस टेस्ट को पॉजिटिव कहा जाता है, और इस रेंज से थोड़ा कम है या बिल्कुल ज़ीरो है तो उसको नेगेटिव कहा जाता है। तो अगर IgM टेस्ट का जो वैल्यू है वो बढ़ा हुआ है तो वो इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर वायरस जिसके अगेंस्ट IgM बढ़ा हुआ है वो अभी हाल फिलहाल में महिला को हुआ है, और उसका जो असर है अगर महिला गर्भवती है तो उसके बच्चे पर हो सकता है। वहीं पर IgG एंटीबॉडीज अगर बढ़े हुए हैं तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये पहले कभी हुआ था, और जब भी प्रेगनेंसी शुरू हुई है तो इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि वो जो एंटीजन है वो गर्भस्थ शिशु पर कोई बुरा असर डालेगा।
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो आती है, जो टॉर्च की रेलेवेंस होती है, वो होती है रूबेला वायरस के लिए, क्योंकि रूबेला वायरस देखा गया है अगर किसी गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो ये बच्चे में बहुत सारे मालफॉर्मेशंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कई बार ये अबॉर्शंस भी कर सकता है। इसलिए अगर रूबेला IgM बढ़ा हुआ है तो वो डेफिनेटली परेशानी की बात है। वहीं पर टॉक्सोप्लाज्मा वायरस के अगर IgG और IgM एंटीबॉडीज बढ़े हुए हैं टॉक्सोप्लाज्मा के, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो इन्फेक्शन हैं उनके अगर IgG बढ़े हुए हैं या रूबेला IgG बढ़ा हुआ है तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, क्योंकि ये ओल्ड इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है और ज़्यादातर इन ओल्ड इन्फेक्शन की वजह से गर्भस्थ शिशु पर कोई बुरा असर नहीं होता है। तो इसलिए टॉर्च टेस्ट एक रेलेवेंट टेस्ट है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में इसका जो महत्व है वो धीमे धीमे कम होने लगा है, क्योंकि अगर बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की मरीज़ है, पेशेंट है, और उसको पिछली बार किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन हुआ है तो बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट और उसके IgG बढ़ जाते हैं, तो करंट प्रेगनेंसी में वही इन्फेक्शन दोबारा से अबॉर्शन करेगा इसकी संभावना बहुत कम रह जाती है। तो टॉर्च टेस्ट एक बैटरी ऑफ टेस्ट होता है जो कि पहले कुछ सालों में ज़्यादा रेलेवेंट था, पर पिछले कुछ सालों से इसका जो महत्व है वो कुछ कम हो गया है। इसके अलावा अगर टॉर्च टेस्ट से संबंधित आपके कोई परेशानियाँ हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो ज़रूर आप कॉमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।